नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात कर रहे हैं फागुन अमावस्या की। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमावस्या होती है और वैदिक पंचांग के हिसाब से देखें तो फागुन का जो महीना होता है ये पंचांग के हिसाब से ये 12वां महीना होता है और इसकी शुरुआत जो है वो मगा नक्षत्र से होती हुई है और इसका जो अंतिम दिन होगा उस समय पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ इस मंथ की, इस महीने की समाप्ति होगी। ये फागुन अमावस्या का कहा जाता है कि 23 फरवरी को जो ये अमावस्या पड़ रही है। कहा जाता है कि शास्त्रों में इसका सबसे ज़्यादा महत्व माना गया है। इसकी मान्यता ऐसी है, कहा जाता है कि तट पर, संगम तट पर, खास करके जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मेल होता है, मिलन होता है, कहा जाता है कि साक्षात भगवान देवी देवता उस समय विराजमान होते हैं। अगर आप अपनी मान्यता कोई भी मांगना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कष्टों से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको परेशानी है, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहता है, अगर उस समय गंगा तट में एक डुबकी भी आप लगा लेते हैं तो आप सो पुण्य पा सकते हैं, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं, गंगा तट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही फागुन अमावस्या पर कहा जाता है कि गंगा जल डाल करके स्नान करना चाहिए और गंगा जल का छिड़काव पूरे घर के हर कोने में होना चाहिए और ख़ास करके आपकी छत पर। छत जो है वो साक्षात कहीं ना कहीं भगवान का एक आशीर्वाद, एक रीज, एक पॉजिटिव रीज लेकर के आता है आपके जीवन में। आपने हर कोने को पवित्र करना है, अपने छत को पवित्र करना है, और तो और जिस दरवाजे में एंट्रेंस से लेकर के आप अपने घर की दहलीज पार करते हैं वो पूरी, चाहे अगर स्टेयर्स हैं जो प्लेन रास्ता है, वहाँ पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। और बुज़ुर्ग हैं खास करके, स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ऊपर भी गंगा जल का छिड़काव करें, और अगर वो स्नान कर सकते हैं तो जल में गंगा जल मिला करके ही स्नान करें और भगवान का स्मरण करते हुए, देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आप जो मनोकामना मांगना चाहते हैं, यकीन मानिए गंगा यमुना सरस्वती का ध्यान करते हुए आप जो मनोकामनाएं मांगना चाहते हैं उस दिन फागुन अमावस्या पे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, लेकिन अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, जो नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं उस पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, अपनी फ़ी जमा करा करके, ताकि आप हमसे बात कर सकें। फ़ोन पर भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, और लेकिन आप निजी तौर पर आ करके मिलना चाहते हैं तो भी आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं, अपना कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, लेकिन दोनों कंडीशन में ही आप अपनी फ़ी जमा करा करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर लें और वो समय निर्धारित हो जाए जिस समय आपकी हमारे साथ भेंट हो सकती है या फिर बात हो सकती है। खुश रहे, स्वस्थ रहे, हमेशा पॉजिटिव रहें। जल्दी हाजिर होंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।